नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाला हूँ बजट 2023-24 के हाइलाइट्स के बारे में। क्या कुछ खास इनकम टैक्स GST के अंदर चेंज किया है गवर्नमेंट ने बजट 2023-24 में, तो चलिए इसके हाइलाइट्स के बारे में समझेंगे। हालांकि ये जो बजट है काफ़ी बड़ा है, हाइलाइट्स कम से कम 10 पेज का है, लेकिन मैं इसके पार्ट बी के बारे में डिस्कस करूँगा जो कि इनकम टैक्स और GST के बारे में है। मतलब डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स है, जहाँ पे इनकम टैक्स, GST और कस्टम ड्यूटी के बारे में बात की गई है कि कस्टम में क्या क्या चेंज हुआ है या इनकम टैक्स में या GST में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डायरेक्ट टैक्स के बारे में। तो यहाँ पे गवर्नमेंट जो है सबसे पहला चेंज तो ये लेके आ रही है कि कॉमन ITR इंट्रोड्यूस किया जाएगा, कॉमन ITR रोल आउट किया जाएगा। ठीक है, बजट में इसके बारे में बोला गया है कॉमन ITR अब लेके आएगी गवर्नमेंट। जो नेक्स्ट ITR आने वाली है कॉमन ITR होगी, जहाँ पे एक ही ITR के अंदर सभी तरीके की इनकम दिखा सकते हैं, उनको अलग अलग ITR में जाने की ज़रूरत नहीं है, जैसे ITR 1, 2, 3 या 4। इसके लिए एक ग्रेवियंस रीड्रेसल मैकेनिज्म भी होगा, जैसे कि GST के अंदर अभी करंटली है, जहाँ पे आप हेल्प डेस्क पे जाकर टिकट क्रिएट करके रेज करते हैं अपनी क्वायरी, वैसे ही आप यहाँ पे इनकम टैक्स में कर पाएंगे। बात करें यहाँ पे इनकम टैक्स स्लैब रेट के बारे में, तो देखो सबसे पहले तो मैं बता दूँ, रीबेट लिमिट गवर्नमेंट ने बढ़ा दी है। अब 7 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, 7 लाख तक की इनकम पे आपको रीबेट मिल जाएगा। पहले 5 लाख तक की इनकम पे था, ये 7 लाख वाली जो लिमिट है वो न्यू टैक्स रिजीम में आपको इसका ऑप्शन मिलेगा कि न्यू टैक्स रिजीम में अगर आप जाते हैं तो 7 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। न्यू टैक्स रिजीम के अंदर इनकम टैक्स स्लैब रेट जो है वो भी ब्रैकेट 5 कर दिए, पहले 6 ब्रैकेट थे अब 5 ब्रैकेट है। 3 लाख तक की इनकम पे न्यू टैक्स रेट के अंदर देखो 3 लाख की इनकम पे कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, 3 से 6 लाख के बीच में 5% देना पड़ेगा और 6 से 9 के बीच 10% का टैक्स लगेगा और 9 से 12 के बीच 15%, 12 से 15 के बीच 20% और 15 लाख से ऊपर होता है तो 30% का टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, ये मेजर बेनिफिट है। एग्जेम्पशन पहले 2.5 लाख की थी, अभी एग्जेम्पशन 3 लाख की है। ठीक है, तो ये न्यू टैक्स रिजीम में आपको ये वाला टैक्स स्लैब रेट फॉलो करना होगा, इस तरह से आपको टैक्स देना पड़ेगा। उसके बाद बात करें स्टैंडर्ड डिडक्शन के बारे में, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन भी बढ़ाया जाएगा। ठीक है, उसकी बेनिफिट को बढ़ाया जाएगा। सैलरी पर्सन के लिए 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन और फैमिली पेंशन के लिए 15,000 तक स्टैंडर्ड डिडक्शन न्यू टैक्स रिजीम में आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ न्यू टैक्स रिजीम में अब जो सरचार्ज है वो 25% तक लगेगा, पहले ये 37% तक लगता था दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे जो टैक्स एग्जेम्पशन की लिमिट है लीव इनकेसमेंट में, जब रिटायरमेंट पे नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को लीव इनकेसमेंट मिलती है 25 लाख तक की इनकम तक यहाँ पे उनको टैक्स एग्जेम्पशन मिल जाएगी। उसके बाद गवर्नमेंट ये भी बोल रही है कि न्यू टैक्स रिजीम डिफॉल्ट रिजीम होगी, साथ ही साथ टैक्स पेयर के पास ये भी ऑप्शन होगा कि वो ओल्ड टैक्स रिजीम में भी जा सकती है, चाहे तो वो ओल्ड टैक्स रिजीम के बेनिफिट्स को भी ले सकती है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो माइक्रो एंटरप्राइजेस है और कुछ प्रोफेशनल्स है, उनको जो प्रेजम्प्टिव टैक्सेशन स्कीम का बेनिफिट मिलता था, अब इसकी लिमिट को बढ़ाया जाएगा। अगर उनकी ट्रांजैक्शन 5% से ज़्यादा नहीं होती कैश में, तो उस केस में जो ग्रोस रिसीट्स की लिमिट है या टर्नओवर की लिमिट है उसकी लिमिट को बढ़ाया जाएगा प्रेजम्प्टिव टैक्सेशन स्कीम के अंदर। उसके बाद केवल वही एक्सपेंसेस अलाउ होंगे, उसी एक्सपेंसेस का डिडक्शन मिलेगा जिन एक्सपेंसेस में, अगर MSME से रिलेटेड कोई पेमेंट है अगर वो पेंडिंग रहती है, वो पेमेंट नहीं होती तो उस तरह के एक्सपेंडिचर का डिडक्शन नहीं मिलेगा। मतलब अगर आपने MSME से कोई एक्सपेंस किया है, माल खरीदा है, सर्विस ली है, कोई एक्सपेंस है, अगर उसकी टाइमली पेमेंट नहीं हुई है तो उस केस में आपको एक्सपेंडिचर का डिडक्शन नहीं मिलेगा। दोस्तों यहाँ पे न्यू कोऑपरेटिव्स के लिए बेनिफिट है, अगर वो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज 31/3/24 तक शुरू करते हैं तो उनको लोअर टैक्स रेट 15% वाला बेनिफिट मिल जाएगा, जो अभी अवेलेबल है न्यू मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हायर लिमिट जो है 2 लाख रुपये पर मेंबर कैश डिपॉजिट कर सकते हैं प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। उसके बाद यहाँ पे जो TDS है कैश विड्रॉल पे, उसकी जो लिमिट है वो यहाँ पे 3 करोड़ की जाएगी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए। स्टार्टअप्स के लिए जो इनकॉर्पोरेशन बेनिफिट है उसकी पीरियड को बढ़ा दिया जा रहा है, यहाँ पे 31/3/24 तक अगर वो इनकॉर्पोरेट होते हैं बेनिफिट जो है वो उनको मिल जाएगा, स्टार्टअप का बेनिफिट मिल जाएगा। उसके बाद बात करें दोस्तों जो थ्योरेटिकल लिमिट है TDS जो गेमिंग इनकम पे लगती है, ऑनलाइन गेमिंग इनकम के ऊपर TDS कितनी है 10,000 की है। ठीक है, मिनिमम थ्योरेटिकल लिमिट कि 10,000 से जैसे ही ऊपर गया आपका TDS कट जाता है, तो यहाँ पे जो 10,000 वाली लिमिट है ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर उसको रिमूव कर रही है गवर्नमेंट
अब जब भी आप ऑनलाइन गेमिंग से जो भी इनकम होगी उसको विड्रॉल करोगे या फाइनेंशियल ईयर का एंड होगा उस केस में उस अमाउंट पे टीडीएस कट जाएगा, मतलब जो थ्योरेटिकल लिमिट है वो हटा रही है। अब 1 रुपये की भी इनकम हो गई और आपने उसे विड्रॉल किया तो उसके ऊपर टीडीएस कट जाएगा, या फाइनेंशियल ईयर का एंड हुआ तो उस केस में टीडीएस कट जाएगा ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर। और दोस्तों गोल्ड को अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड में कन्वर्ट किया और उससे अगर इनकम बनी तो वो कैपिटल गेन के अंदर आएगी, ठीक है। और दोस्तों टीडीएस रेट जो है वो 30-20% कर रही है अगर ईपीएफ का विड्रॉल होता है नॉन पैन के केस में। अब मार्केट लिंक डिबेंचर टैक्सेबल होंगे उस तरह से, अगर इनकम बनती है इस तरह की सिक्योरिटीज से इनकम बनती है मार्केट लिंक डिबेंचर से तो वो इन टैक्सेबल इनकम के अंदर काउंट होगी। उसके बाद दोस्तों इनकम टैक्स में कुछ खास अपडेट नहीं है, ये तो था इनकम टैक्स का। अब हम बात कर लेते हैं इनडायरेक्ट टैक्स में, जहाँ पे जीएसटी और कस्टम के अंदर चेंजेस है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट करिए, देखो कस्टम ड्यूटी के अंदर बहुत सारे गुड्स हैं टेक्सटाइल और एग्रीकल्चर को छोड़ के जिनका रेट 21-13% तक रिड्यूस कर दिया है गवर्नमेंट ने। दोस्तों यहाँ पे माइनर चेंज किया है बेसिक कस्टम ड्यूटी के अंदर, सेस के अंदर और सरचार्ज में, कौन से आइटम पे, जैसे टॉयज हो गए, बाईसाइकल्स हो गए, ऑटोमोबाइल्स हो गए, इस तरह के आइटम पे। दोस्तों गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक्साइज ड्यूटी एग्जम्प्ट कर दी है जीएसटी पेड कंप्रेस्ड बायोगैस के ऊपर। और दोस्तों यहाँ पे गवर्नमेंट ने कस्टम ड्यूटी जो है कैपिटल गुड्स या मशीनरी जो मैन्युफैक्चर होते हैं, लिथियम आयन सेल्स जो बैटरी में यूज होते हैं इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड व्हीकल के अंदर, उसको यहाँ पे एक्सटेंड किया जा रहा है 31-3-24 तक। कस्टम ड्यूटी एग्जम्प्ट कर रही है गवर्नमेंट स्पेसिफाई ऑटोमोबाइल पार्ट्स के ऊपर, कंपोनेंट्स के ऊपर, सबसिस्टम के ऊपर, टायर्स के ऊपर, अगर इंपोर्ट किया जाता है नोटिफाइड टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा। कस्टम ड्यूटी कैमरा लेंस और उसके इनपुट या पार्ट्स के ऊपर जो मैन्युफैक्चरिंग में यूज होते हैं कैमरा मॉडल या सेलुलर मोबाइल फ़ोन के अंदर, वो रिड्यूस कर रही है। बेसिक कस्टम ड्यूटी रिड्यूस कर रही है गवर्नमेंट पार्ट्स जो ओपन सेल है टीवी पैनल्स के, वो 2.5% तक कर रही है। बेसिक कस्टम ड्यूटी इलेक्ट्रॉनिक किचन चिमनीज जो है उनको यहाँ पे, उसको यहाँ पे इंक्रीज किया जा रहा है 7.5-15% किया जा रहा है। बेसिक कस्टम ड्यूटी जो है वो हीट कॉइल्स के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग जो किया जाता है इलेक्ट्रिक किचन के ऊपर, वो रिड्यूस कर रही है, वो 20-15% कर रही है। डी नेचुरेट इथाइल एल्कोहल जो केमिकल इंडस्ट्री में यूज होता है उसको एग्जम्प्ट कर रही है बेसिक कस्टम ड्यूटी से। इम्पोर्ट ड्यूटी भी जो है सिल्वर के ऊपर, ब्रास के ऊपर या गोल्ड्स के ऊपर, इस तरह के आर्टिकल्स के ऊपर इंक्रीज किया जा रहा है। दोस्तों यहाँ पे जो कार्गो स्टील मैन्युफैक्चर के अंदर रॉ मटेरियल यूज होते हैं उसके लिए यहाँ पे गवर्नमेंट बेसिक कस्टम ड्यूटी एग्जम्प्ट कर रही है। स्पेसिफाइड सिगरेट के ऊपर यहाँ पे ड्यूटी जो है वो 16% तक बढ़ाई जा रही है। उसके बाद कस्टम लॉ के अंदर कुछ चेंजेस किए जाएंगे, ठीक है, कस्टम एक्ट के अंदर चेंजेस किए जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पे जो चेंजेस किया जाएगा वो सीजीएसटी एक्ट में भी चेंज होगा, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो रिस्ट्रिक्शन लगाएगी रिटर्न को, जीएसटी रिटर्न को फाइल करने पे, कि आप मैक्सिमम 3 ईयर के अंदर आप रिटर्न्स को या स्टेटमेंट्स को फाइल कर सकते हो, 3 ईयर के बाद आप फाइल नहीं कर सकते। उसके बाद यहाँ पे एनेबल करेगी सप्लायर्स को, कॉम्पोजिशन टैक्सपेयर को, कि वो इंट्रा स्टेट सप्लाई कर सके ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू। तो जीएसटी वाले पार्ट में बाकी यही अपडेट है, बाकी देखते हैं जैसे ही फाइनेंस बिल आएगा तो फाइनेंस बिल में देखते हैं कि क्या क्या चेंजेस है डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में। मैं आपके सामने इसी तरह वीडियो के माध्यम से फाइनेंस बिल भी लेके आता रहूँगा। वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।